guys. In this video, we discussed about second part of alveolar canal. In previous videos, we discussed about mouth and lips. In this video, we discussed about buccal cavity. What is buccal cavity and functions? So, agar definition dekhe, to buccal cavity is an orifice through which food and air enter the body. बकल कैविटी एक ऐसा रास्ता होता है, हम बोले कि ऑर्फिस होता है, जिससे कि फूड मटेरियल हमारे बॉडी पे एंटर करता है. किससे? पहले वो फेरिंग्स में जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ऐसे हमारी प्रोसेस चलती रहती है. तो अगर हम देखें बकल कैविटी की, तो ये डिफिनीशन हो गई. अब हम देखते हैं कि बकल कैविटी को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. बकल जो हमारा बकल कैविटी होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट हमारा होता है बकल वेस्टिब्यूल, और सेकंड हमारा होता है ओरल कैविटी. ओरल कैविटी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है बकल वेस्टिब्यूल और सेकंड पार्ट होता है हमारा ओरल कैविटी. तो इस तरह में हम जानेंगे कि हम फर्स्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी देखेंगे कि बकल वेस्टिब्यूल क्या है, और हमारा टॉपिक बकल कैविटी ही चल रहा है. तो फर्स्ट में हम डालते हैं हेडिंग बकल वेस्टिब्यूल. देखिए, प्लीज आप रफ और पेन लेकर बैठे, जिससे कि जो मैं लिख रही हूँ तो आप नोट डाउन करते हैं. अब हम फर्स्ट उसमें करते हैं बकल वेस्टिब्यूल. बकल वेस्टिब्यूल, इट इज अ स्पेस बिटवीन गम एंड टीथ एंड गम एंड चीक, वेयर फूड इज स्टोर फॉर सम टाइम. तो स्पेस होता है हमारे गम और टीथ के बीच में, हम कहें कि गम और चीक के बीच में, जहाँ पे फूड हम सम टाइम के लिए स्टोर होता है. आप देखते होंगे, जब भी आप कभी कुछ बिस्किट्स खाते होंगे या नमकीन खाते होंगे, थोड़े से आप मीठा वगैरह स्वीट्स वगैरह लेते होंगे, तो अक्सर हमारे बीच के लिए यहाँ पे हमारे फंस जाते हैं. इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? बकल वेस्टिब्यूल बोलते हैं. तो मैं डिफिनीशन आपको फिर से एक बार कह दे रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. इट इज अ स्पेस बिटवीन गम एंड टीथ, एंड टीथ है चीक, वेयर फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम. दिस इज बकल कैविटी, बकल वेस्टिब्यूल. अब सेकंड पार्ट हम बकल कैविटी का देखते हैं, दैट इज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी, इट इज अ इंटीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी. इट इज अ इंटीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी दैट कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग. जो हमारे टीथ और टंग होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ओरल कैविटी में होते हैं. तो इन ओरल कैविटी टीथ एंड टंग आर प्रेजेंट. तो हमारा छोटा सा होगा ओरल कैविटी के बारे में, और टीथ और टंग के बारे में जो हमारा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो में देखेंगे. कुछ मैं आपको और बातें बताती हूँ बकल कैविटी से रिलेटेड बताती हूँ. आपने देखा होगा कि जो हमारा बकल कैविटी में कुछ हार्ड पार्ट्स होते हैं. आपने जब आपको अपनी टंग को जब ऊपर साइड छूते हो, कुछ हार्ड लगता होगा, तो वो सब क्या होते हैं? पैलेट होते हैं. क्या होते हैं? पैलेट होते हैं. पैलेट, पैलेट इज अ रफ ऑब्लिक हार्ड पार्ट ऑफ बकल कैविटी. तो जो हमारा रफ और हार्ड पार्ट होता है बकल कैविटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट कहते हैं. अब जो हमारा पैलेट भी होता है, उसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक हमारा होता है, फर्स्ट होता है हमारा हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट, और हमारा सेकंड होता है सॉफ्ट पैलेट. फर्स्ट होता है हार्ड पैलेट और सेकंड होता है सॉफ्ट पैलेट. जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, वो हमारा इंटीरियर पार्ट होता है पैलेट का, और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, वो पोस्टीरियर पार्ट होता है. पोस्टीरियर पार्ट मतलब कि अगर हम कहें तो हमारी बकल कैविटी को जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, वो इंटीरियर पार्ट बनाता है,
होता है वो पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। अब हम हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर सॉफ्ट पैलेट क्या है और हार्ड पैलेट क्या है। तो अगर हम फर्स्ट लिखे हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट इट इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट विच मेक्स 2/3 पार्ट ऑफ पैलेट। अगर हम देखें तो जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वो 2/3 पार्ट बनाता है हमारा किसका, बकल कैविटी का। एंड इट सेपरेट अवर बकल कैविटी फ्रॉम नेसल कैविटी। तो आपने वर्टिब्रेट्स में देखा होगा जो हमारी नेसल कैविटी होती है वो अलग होती है और जो हमारी बकल कैविटी होती है वो अलग होती है। तो जो हमारा ये हार्ड पैलेट है वो हमारी बकल कैविटी को नेसल कैविटी से अलग करता है। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इट सेपरेट बकल कैविटी फ्रॉम नेसल कैविटी, इट मेक्स 2/3 पार्ट एंड इट सेपरेट अवर बकल कैविटी फ्रॉम नेसल कैविटी। और थर्ड हम इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वो दो तरह के फेशियल बोन से बना होता है। कितने, 2 types of facial bone, जो हमारी 2 types of facial bone। तो इसमें भी जो हमारी फर्स्ट होती है वो हमारी होती है मैक्सिला, मैक्सिला, और जो हमारी सेकंड होती है वो होती है पेयर, पेयर पैलेटाइन। तो फर्स्ट हमारे दो फेशियल बोन से बना होता है, फर्स्ट हमारा होता है मैक्सिला, सेकंड हमारा होता है पेयर पैलेटाइन। ये हमारे हुआ हार्ड पैलेट के बारे में। अब हम कुछ बातें देखते हैं, जैसे कि जो हमारा हार्ड पैलेट होता है उसके वेंट्रल पार्ट में, हार्ड पैलेट के वेंट्रल पार्ट में कुछ हमारे प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं जो ट्रांसवर्स स्लिट में होते हैं, जिसको हम पैलेटाइन डक बोलते हैं। जब आप देखते हो आप अपनी टंग जब अपने आप रूफ ऑफ बकल कैविटी पे आप टच करते होंगे तो कुछ आपको प्रोजेक्शन से दिखते होंगे, मतलब कुछ आपको गड्ढे गड्ढे जैसे महसूस होते होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, पैलेटाइन डक होते हैं। तो पैलेटाइन डक हम देखते हैं कि इन पैलेटाइन डक हमारे क्या होते हैं, इन इन वेंट्रल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, इन वेंट्रल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट सम प्रोजेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स स्लिप फाउंड कार्ड एस पैलेटाइन डग, पैलेटाइन डग। तो जो हार्ड प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे वेंट्रल पार्ट हार्ड पैलेट के, उसको पैलेटाइन डग कहते हैं। पैलेटाइन डग का वर्क ये होता है कि इट प्रिवेंट स्लिप आउट ऑफ फूड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, मतलब कि जो हमारे पैलेटाइन डग होते हैं वो हमारे प्रिवेंट करते हैं कि हमारा फूड जब हम मेस्टिकेशन करते हैं फूड का तो वो स्लिप नहीं हो बकल कैविटी से। अब हम बढ़ते हैं सॉफ्ट पैलेट, इतनी जानकारी हमारी हार्ड पैलेट के बारे में थी, बढ़ते हैं सॉफ्ट पैलेट। सेकंड है हमारा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। तो जैसे मैंने आपको बताया इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट एंड इट मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल आप जैसे कहें तो स्मूथ मसल, मतलब कि जिनका हमारा कंट्रोल नहीं होता जिसपे, इट मेड अप इनवॉलेंट्री मसल that is fibrous connective tissue and mucous epithelium.
and mucus epithelium. तो ये हमारा हो गया soft palate का आदमी, ये interior part of palate बनाता है और it is made up of involuntary muscle that is हमारा fibrin connected tissue and mucus epithelium. अब आपने जैसे कभी कभी आपने देखा होगी जब हम कभी कभी अपना चेहरा कभी कभी क्या हम डेली अपना चेहरा देखते हैं शीशे पे, तो जब आपने क्या अपना मुंह खोलते होंगे कुछ आपको सामने कुछ हैंगिंग पी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ फ्लैसी रेडिश हैंगिंग पी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूवुला. यूवुला, यूवुला बोलते हैं हम उसको. क्या बोलते हैं? यूवुला. तो ये हमारे कहा होता है सॉफ्ट पैलेट के बाद में होता है हमारे यूवुला. इट इज अ हैंगिंग, इट इज अ हैंगिंग पी लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ हैंगिंग पी लाइक स्ट्रक्चर. पी लाइक स्ट्रक्चर तो हम देखते हैं जब हम मैस्टिकेशन करते हैं फूड का, क्या जब हम फूड को चबाते हैं तो क्या होता है हमारा यूवुला जो होता है हमारा और जो सॉफ्ट पैलेट होते हैं वो एक साथ मूव करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा फूड वो ईसोफेगस में जाता है अच्छे से. उससे ये भी होता है जो हमारे यूवुला वो भी करता है कि जब भी हम फूड को मैस्टिकेस करते हैं उसको स्वेलिंग करते हैं तो जिससे हमारे नेसोफेरिंग्स में कोई भी फूड के पार्टिकल नहीं जाए उससे बचाता है. नेसोफेरिंग्स हमारा फेरिंग्स का पार्ट होता है. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा. इस तरह से हमारे देख लिया हम सॉफ्ट पैलेट के बारे में कि सॉफ्ट पैलेट हमारा क्या होता है. अब मैंने ये बताया कि ओरल कैविटी जो हमारी होती है वो हमारी टीथ और टंग को कंसिस्ट करती है. तो टीथ हो चुकी है वीडियो, अगर मैं इसमें आपको समझाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देखते देखते बोर हो जाएंगे. तो मैं टीथ और टंग की अलग अलग वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी. धन्यवाद.